Hi guys, you're watching Ad Info TV. This is Mr. Zero, and today I'll discuss about the Indian Idol 11. यार इस बार के एपिसोड में कुछ कमाल हो गया. मानो के दिल के अंदर का जो बवाल था ना वो बाहर आ गया. और यार जस्ट लाइक वो बवाल तालियां नहीं गूंजी. मैं अकेले घर पे बैठ के देख रहा था लेकिन फिर भी मैंने तालियां बजाई. पागल कह सकते हो लेकिन फ़ैन होने का तो यही होता है. ऐसे ही कुछ होता है कांड. हाँ यार मैंने इंडियन आइडल में सारे के सारे मतलब परफॉर्मेंस देखे. मैं वेटिंग पे था कि मेरा बिग बॉस 9 बजे चालू होने वाला है. 9 बजे से पहले यार अज़मत हुसैन का परफॉर्मेंस आ जाए. आ गया यकीन मानो. दिस वीक सैटरडे को आया और जैसे ही आया अज़मत हुसैन का तो यार मुझे एक चीज़ का बुरा लगा. अभी भी बंदा सेम गाना गा रहा है. प्लीज़ यार अज़मत भाई अगर आप मतलब नहीं पहुंच पाएगा अपनी औकात उतनी बड़ी नहीं है यार कि ये वीडियो आप तक पहुंच पाए या आपके किसी चाहने वाले तक पहुंच पाए और वो आपको सजेशन दे कि ऐसा मत करो. मेरा एक कहना है कि यार जब भी आप परफॉर्मेंस करने के लिए आते हो ना वो पुरानी चीज़ें भूल जाओ. ये बोलना बंद कर दो कि मैंने अपनी चीज़ खो दी, मैं वो चीज़ वापस से पाने आया. ज़रूरत नहीं है बोलने की. आपके अंदर में बहुत टैलेंट है. आप अपने गाने को गा करके उस बात को कहने की कोशिश करो. यकीन मानो दिल से दिल का कनेक्शन है आपके साथ में सभी व्यूवर्स का. जो भी आपके फ़ैन हैं वो आपकी बात बिना कहे भी दिल से महसूस कर सकते हैं. तो मैं बात कर रहा हूँ इनके परफॉर्मेंस के बारे में. अज़मत हुसैन जैसे परफॉर्म किया उन्होंने ऑसम. मीन्स मानो वो परफॉर्मेंस दे रहा हो मैं उसके फैमिली का कोई मेंबर हूँ और बैठ करके बस ये कह रहा था प्लीज़ यार कहीं पे रुकना मत. कहीं पे तेरा यार मतलब वो जो एक लड़खड़ाहट होती है ना वो नहीं आनी चाहिए. कहीं पे भी यार अटकना मत. कहीं पे भी मतलब डरना मत. और बस ऐसे विश करते करते देख रहा था. और एंड ऑफ द टाइम इट वॉज़ अ रॉकिंग परफॉर्मेंस. और इसको कहते हैं कम बैक करना. बाय द वे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है उनके फैंस के लिए, बट दिस इज़ द फैक्ट. आई एम ऑल्सो ग्रेट फैन ऑफ अज़मत हुसैन. अज़मत हुसैन के लिए मेरे दिल से एक ही चीज़ निकलती है कि यार वो जिस तरह से बचपन में नाम कमाए थे उसी लेवल पे नाम कमाएंगे. लेकिन मेरा एक पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आ रही है इंडियन आइडल वो हारेंगे. इंडियन आइडल नहीं जीतेंगे. टॉप थ्री तक भी जाएंगे. नो डाउट टॉप थ्री तक जाएंगे. रीज़न है इंडियन आइडलों को उनके वजह से टीआरपी मिल रही है. उनके व्यूवर्स के वजह से उनका व्यूवरशिप बढ़ रहा है और वो टॉप थ्री तक लेकर जाएंगे. टॉप थ्री पे ले जाने के बाद में किसी और को ही जिताएंगे. क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लग रहा है मालूम है? रोहित राउत. मेरा एक कहना यार प्लीज़ रोहित राउत से गाना मत गवाओ. वो जज के कुर्सी में बैठने लायक है एंड वो कंपटीशन के लायक नहीं है. नो ही इज़ नॉट फॉर द कंपटीशन. अगर उसको कंपटीशन में रखा जा रहा है मंस उसके टैलेंट की बेइज्जती की जा रही है. हाँ मतलब किसी इंटेलिजेंट इंसान से कहो कि 2+2 कितना होता है वो बोलेगा 4. पहली बात तो बोलेगा नहीं. और अगर उससे आप जवाब मांग रहे हो आप उसकी इंटेलिजेंट की बेइज्जती कर रहे हो. उनकी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हो. तो उनका टैलेंट यार काफ़ी हाई लेवल का है. उनको यार कंपटीशन से हटाओ. स्पेशल गेस्ट का जो प्लेस होता है वहाँ पर बैठाओ. उनको जज की कुर्सी दे दो. नो डाउट नेक्स्ट सीजन में वो एज अ जज दिखेंगे. तो उनको शायद जिता दी जाए. या फिर इनके अलावा सनी है और भी एक भाई साहब है जो जेजे पे काम करते हैं. काफ़ी अच्छी आवाज़ है. काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस चल रहे हैं. तो नो डाउट अज़मत भाई को इस पर हराया जाएगा. अज़मत भाई वहाँ से तो निकलेंगे. लेकिन एक अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे अरिजीत सिंह ही वॉज़ नॉट द विनर ऑफ इंडियन आइडल. ही वॉज नॉट द विनर ऑफ एनी रियलिटी शो. वो वापस गए. वापस जाने के बाद में अपने आप को ढूंढा निकाला और जो कम बैक किया ना बॉस मैजिक. आज भी देख लो जिस मूवी में अरिजीत सिंह का नाम जुड़ जाता है कि उनका गाना है मीन्स यार लोगों का वैसे ही पागलपंती छा जाता है. तो अज़मत हुसैन कुछ ऐसे ही करने वाले. नो डाउट जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे कि पूरी दुनिया उनका मिसाल देंगे और उसी स्टोरी को दोहराएंगे कि बंदा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नाम कमाया 10 साल की उम्र में और उसके ऐसे सारे नेम फेम गवा दिए. अपना टैलेंट को भी गवा दिया और फिर से कम बैक किया. फिर भी हारा और हारने के बाद भी वहाँ से निकला तो गायब नहीं हुआ. कुछ सालों के बाद जो वापस आया आज उसका मैजिक देखो. दशकों तक चल रहा है मीन्स 10 साल 20 साल 30 साल. नो डाउट यार बंदा बहुत बड़ा नाम कमाएगा. इंडियन आइडल से निकाला गया ना तो वो कुछ नहीं होने वाला है. वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा और वापस आएगा. बाय द वे आई विल वेट एंड मेरे जैसे फ़ैन वेट करेंगे कि कब किसी मूवी में इनके गाने को फीचर की जाएगी और दिल से सुनेंगे. तो बस मेरे हिसाब से इंडियन आइडल का सबसे हॉट टॉपिक यही है. और मैं फ़ैन हूँ तो मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगा. आई एम टोटली डाई हार्ड फैन. मैं हवा हूँ. आज भी मन जितनी बार करता हूँ उतनी बार लगा के सुनता हूँ. सो आई एम ए डाई हार्ड फैन दिल से कह रहा हूँ. तो अज़मत हुसैन विल बी बैक सून एज अ सुपर डुपर स्टार सिंगर.
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायनारा एंड अस्ता ला विस्ता।